नमस्कार दोस्तों 16 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है देखते हैं आज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है पहली न्यूज है 75,000 करोड़ रिलीज टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर देखिए फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पचहत्तर हजार करोड़ रुपए रिलीज किए हैं स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर को अंडर द बैक टू बैक लोन फैसिलिटी इन लू ऑफ जीएसटी कम्पनसेशन दिस रिलीज इज इन एडिशन टू नॉर्मल जीएसटी कम्पनसेशन बींग रिलीज एवरी टू मंथ्स आउट ऑफ सेस कलेक्शन अब ये दूसरी लाइन मैंने बोली इसका क्या मतलब है? Compensation की बात कर लेते देखिए क्या हुआ था कि जब GST पारित हुआ तो राज्य की सरकार के द्वारा लगाए गए बहुत सारे जो छोटे छोटे लविज थे वो भी जीएसटी के अंदर आ गए उसके चलते राज्य की सरकार को नुकसान होगा तो एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट पास किया गया 2017 में जिसके चलते राज्य की सरकारों को एक गारंटी दी गई कि पहले पांच ऑफ जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के दौरान मतलब 2017 से लेकर 2022 तक जो भी राज्य की सरकारों का नुकसान हुआ है जीएसटी में जो भी राज्य की सरकारों का शॉर्टफॉल है शॉर्ट फॉल है चौदह इंक्रीमेंट के हिसाब से एक्स्ट्रा पैसा राज्य की सरकारों को दिया जाएगा ये मैं कई बार पहले आपको बता चुका हूं बस यहाँ पे कंटेक्स सधाने के लिए एक बार फिर से बोल रहा हूं उन पर्टिकुलर लोगों के लिए जो बिल्कुल ही न्यू कमर्स है अब इसके लिए एक जीएसटी कंपनसेशन फंड बनाया गया और जो भी सिन और लग्जरी गुड्स हैं सिगरेट हो गया ठीक है ना इम्पोर्टेड गई बड़ी बड़ी उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा जीएसटी से से को किया जाएगा, से लेके, किया बात बोली गई। लेकिन कोरोना के पेंडेमिक के बाद से जीएसटी कंपनसेशन फंड में पैसा बहुत कम आया है और इतना पैसा है ही नहीं कि वो जीएसटी कंपनसेशन एक्ट दो हजार सत्रह की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाए रिक्वायरमेंट क्या थी कि भाई 2016 से पहले मतलब उसको अगर आप जीएसटी के दौरान मान लीजिए 2015-16 में राज्य की सरकारों का कलेक्शन था सौ करोड़ रुपए और केंद्र की जीएसटी की तरफ से मान लो अस्सी करोड़ ही पास में आ रहा तो बीस करोड़ का शॉर्टफॉल है तो ये बीस करोड़ देना पड़ेगा केंद्र की सरकार को एक्स्ट्रा राज्य की सरकारों को अंडर जीएसटी कंपनसेशन और हर साल चौदह प्रतिशत देना पड़ेगा तो 2018 का अमाउंट पिछले साल से चौदह ज्यादा होगा 2019 का पिछले साल से चौदह प्रतिशत और ज्यादा होगा तो इससे क्या होगा कि राज्य की सरकारों का कॉन्फिडेंस लिया गया और फाइनली जीएसटी कि इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जिसमें पचास राज्य की सरकारों का एसेंट चाहिए था उसको पास कराया गया और यहाँ पे ये जो

ऑलरेडी हर दो महीने पे पैसा ये जो आपकी केंद्र की सरकार है वो राज्य की सरकारों को देती है जितना जीएसटी कंपनसेशन सेस वाले फंड में आता है तो जितना जीएसटी कंपनसेशन सेस वाले फंड में पैसा आ रहा है वो तो हर दो महीने के अंतराल पे केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकार को दिया ही जाता है उससे एक्स्ट्रा यहाँ पे डिसाइड हुआ है कि केंद्र की सरकार 1.59 लाख करोड़ बौरो करेगी ये कब डिसाइड हुआ तो फोर्टी थर्ड जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है अट्ठाईस मई 2021 को तो केंद्र की सरकार ने बोला कि भैया हम मार्केट से एक दशमलव लाख करोड़ बौरो करेंगे मार्केट से और इसको बैक टू बैक बेसिस पे राज्य की सरकारों को देंगे अब ये जो बैक टू बैक बेसिस पे राज्य की सरकारों को पैसा दे रही केंद्र की सरकार ये एक्चुअली में खर्चा उठाएगा कौन तो देखिए इसका खर्चा ना केंद्र की सरकार उठाने वाली ना राज्य की सरकार हम जैसे कॉमन लोग ही इसका खर्चा उठाएंगे तो जो भी आगे आने वाले समय में जीएसटी कंपनसेशन सेस वाले फंड में जो भी पैसा आएगा उस पैसे के बेसिस पे ये जो कुछ भी बोरोइंग की है हमारी केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकारों को देने के लिए इस शॉर्टफॉल को पूरा किया जाएगा और पहले ही इस बात को अनाउंस किया जा चुका है कि जो एक लाख करोड़ रुपए उठाया है केंद्र की सरकार ने मार्केट से इससे पहले भी जो एक लाख करोड़ रुपए उठाया था ये पूरा का पूरा पैसा धीरे धीरे करके जीएसटी कंपनसेशन फंड से निकाल के ही इसका लोन वगैरह भरा जाएगा तो ये कहा जा सकता है कि जीएसटी कंपनसेशन फंड में जो पैसा आ रहा है वो राज्य की सरकारों का ही है तो मार्केट से अगर आपने लोन उठाया तो फिर मार्केट को इंटरेस्ट रेट भी आपको देना पड़ेगा तो ओवरऑल इसकी मॉडलिटीज है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है

ओवरऑल जीएसटी कंपनसेशन फंड में जो पैसा आ रहा था वो आ तो राज्य की सरकार के लिए रहा था लेकिन मान लीजिए राज्य की सरकारों को देना होता है एक लाख करोड़ रुपए और जीएसटी कंपनसेशन फंड में आ जाता है एक लाख तीस हजार करोड़ तो एक्स्ट्रा तीस हजार करोड़ तो, तो केंद्र की सरकार का हो जाता ना लेकिन अब ऐसा हुआ नहीं है जीएसटी कंपनसेशन फंड में पैसा आया नहीं है जितनी जरूरत है उतना भी नहीं आया है तो एक्स्ट्रा पैसा मार्केट से बौरो करना पड़ रहा है और जो भी पैसा एक्स्ट्रा मार्केट से बौरो कर रही है केंद्र की सरकार धीरे धीरे करके जीएसटी कंपनसेशन फंड से चुकाएगी ये बात आपको समझ में आ गई अभी इसी रिसेंट स्ट्रीक में दशमलव उनसठ लाख करोड़ और हायर किया है केंद्र की सरकार ने इससे पहले ही फाइनेंशियल ईयर 2021 में भी एक दशमलव दस लाख करोड़ आप कह सकते हो बोरो किया था केंद्र की सरकार ने मार्केट से तो टोटल लगभग दो लाख साठ हजार करोड़ की बोरोइंग ऑलरेडी जो सरकार है वो कर चुकी है ओके टू प्रोवाइड टू स्टेट अंडर जीएसटी कंपनसेशन मैकेजम करोड़ रुपए एलोकेट किया गया है केंद्र की सरकार के द्वारा राज्य की सरकारों को इसमें अड़सठ हजार पांच सौ करोड़ पांच साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू उठाया गया है और साढ़े छह हजार करोड़ दो साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के थ्रू उठाया गया और इसके लिए इंटरेस्ट रेट कितना दिया जा रहा है पांच पॉइंट परसेंट और चार परसेंट हालांकि इतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं कुल मिला यहां पर न्यूज क्या है न्यूज ये है कि धीरे धीरे करके केंद्र की सरकार पैसा मार्केट से के राज्य की सरकारों को दे रही है और ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यह बात अब तय हो गई कि 2022 के बाद भी जो जीएसटी कंपनसेशन फंड है यह चलता रहेगा और उससे पैसा निकाल के इस लोन को चुकाया जाएगा जनरल स्टडीज पेपर टू में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स और जनरल स्टडीज पेपर टू में मोबिलेशन ऑफ रिसोर्स एंड फिजिकल पॉलिसी में न्यूज आपको काम आएगी आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो के बारे में बताएं इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप अपने सवाल भी भेज सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आज शाम तक ही आपको मेरी वेबसाइट हर्षद द्विवेदी डॉट कॉम पे इस करंट uh, अफेयर्स का जो डेली जिस्ट है जितने भी आर्टिकल्स हैं सारे के सारे बिल्कुल डिटेल्ड अपडेटेड फॉर्म में मिलेंगे द हिंदू एडिटोरियल के आर्टिकल्स भी मिलेंगे एक करंट अफेयर्स का वन लाइनर का आर्टिकल रोज अपडेट होता है और जो भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ हैं वो

इस मानसून सेशन में हम लोकसभा में एक मोशन मोशन पास करेंगे मोशन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी V103 वाली जो वीडियो है, एक वी वन जीरो लक्ष्मीकांत की वहां पे मैंने हर प्रकार के मोशन जो कि पार्लियामेंट में रिलीज किए जा सकते हैं उनके बारे में बात की है चाहे वो क्लोजर मोशन हो प्रिवेलेज मोशन हो कॉलिंग अटेंशन मोशन हो एडजॉइनमेंट मोशन हो नो कॉन्फिडेंस मोशन हो या कॉन्फिडेंस मोशन हो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देख सकते हो जाके एडजॉइनमेंट मोशन के बारे में बेसिक जानकारी मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ तो एडजॉइनमेंट मोशन को केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है यह बात हमेशा याद रखिएगा राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते क्यों चूंकि देखिए एडजोनमेंट मोशन जब लाया जाता है इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट मतलब सरकार को क्रिटिसाइज करने वाली बात होती है सरकार को कटघरे में लाने वाली बात होती है तो जब आप सरकार को कटघरे में लेके आओगे तो अब ऑबली बात है, अगर आप सरकार को क्वेश्चन कर रहे हो तो राज्य

तो ये सब चीजें यहाँ पे हैं फिर एडजमेंट मोशन में एक और चीज होती है कि ऐसा कोई भी इशू जो किसी और मोशन के थ्रू इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उसके लिए एडजॉइनमेंट मोशन लाने की जरूरत नहीं है एडजोनमेंट मोशन को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो पचास पार्लियामेंट के सिग्नेचर लगेंगे तो श्रोमणी अकाली दल के जो एम पी है नरेश गुजराल साहब इन्होंने सारी रीजनल पार्टी से गुहार लगाई कि आप हमको इस एडजॉइनमेंट मोशन में सपोर्ट करिए और बहुजन समाज पार्टी शिवसेना नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी दलविद मनोत्र कजगम और तृणमूल कांग्रेस इन पार्टीज ने बोला भी है कि भाई हम आपको यहाँ पे सपोर्ट करेंगे तीन फार्म कौन कौन से थे वो यहाँ पे लिखे हुए इनके ऊपर तो भैया इतनी वीडियोस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव में ये न्यूज आपको काम आएगी नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी टर्म एक्सटेंडेड बाई पर्टिकुलर न्यूज को आपको समझना है

जो कि फिट हैं टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशंस ऑफ एंड बैकवर्ड सोशलिटी के बीच में नहीं कर सकते तो मुकेश अंबानी और एक रिक्शा चलाने वाला है इन दोनों की इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन दोनों अलग है तो आप दोनों को बराबरी के साथ ट्रीट नहीं कर सकते आपको रिक्शा चलाने वाले को कुछ एक्स्ट्रा राइट्स देने इसीलिए आप देखोगे

अगर मान लीजिए नहीं तो तो उनको भी दिया है। मतलब सोलह क्लास चार से रिलेटेड है तो, मतलब तो यहाँ पे बैकवर्ड क्लासेस खासकर यहाँ पे जो अदर बैकवर्ड क्लासेस वाला कैटेगराइजेशन है रिजर्वेशन तीन में आता है एस सी एस टी और अदर बैकवर्ड क्लासेस अब तो पी एच बी है तो इसमें जो अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिस्पेक्ट में

ड कौन कर रहे हैं इसको तो रिटायर्ड दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस जी रोहिणी हेड कर रहे हैं इस कमीशन में कुछ और लोग भी जैसे डायरेक्टर हैं आपके सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के डॉक्टर बजाज ये इसके मेंबर हैं और दो और एक्स मेंबर्स हैं काम क्या है इस रोहिणी कमीशन का टू एग्जामिन द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग कैटेगरीज विद इन ओबीसी फॉर द रिजर्वेशन टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन अमंग ऑल अमंगी कम्युनिटीज तो सरकारी जॉबों में नौकरी देने के लिए अगर आप ओबीसी के लिए सीटें रिजर्व करते हो तो ओबीसी का सब कैटेगराइजेशन क्या हो सकता है तो इसलिए आर्टिकल 16 क्लास 4 भी यहाँ पे रेलिवेंट हो सकता है क्योंकि सरकारी जॉब की नौकरियों का जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो आर्टिकल 16 क्लास 4 है नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ आर्टिकल 15 क्लॉस 4 में क्या है अब यहाँ पे मुद्दा क्या है मुद्दा ये है कि भाई देखिए ऐसा बोला जाता है कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है इस ओबीसी के रिजर्वेशन के अंदर कुछ पर्टिकुलर कास्ट ज्यादातर रिजर्वेशन का बेनिफिट ले जाती है इसीलिए करने की बात की जा रही है वैसे अगर बात की जाए तो ओवरऑल टोटल 2633 अदर बैकवर्ड कास्ट है सेंट्रल लिस्ट में। अब अगर इन 2633 को एक ग्रुप मानो और इस पूरे ग्रुप को आप 27 प्रतिशत का रिजर्वेशन दो गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में तो होता यह है कि इन 2633 अदर बैकवर्ड कास्ट में कुछ कास्ट ही सारी की सारी सीटें खींच ले जाती हैं और बाकी कास्ट नहीं खींच पाती क्योंकि बाकी कास्ट इन कुछ कास्टों के रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है मतलब अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर भी बहुत सारी एफ्लुएंट और नॉन एफेंट कास्ट है तो वो जो नॉन एफ्लुएंट कास्ट है इन दो हजार छह सौ तैतीस अदर बैकवर्ड क्लास्ट में से उनका ये बोलना है कि भाई ये जो ओबीसी का कोटा आपने दिया है सत्ताईस प्रतिशत का इस सत्ताईस प्रतिशत के कोटे में कुछ स्पेसिफिक कास्ट सारा फायदा उठा रही है और जो सच में डिसएडवांटेज है वो फायदा नहीं उठा पा रहा है तो आप एक काम करो इन कास्ट का सब कैटेगराइजेशन करो तो टोटल यहां जाएगा मतलब के अंदर जो कास्ट उनको चार सब में बांटा जाएगा एक दो तीन चार और इन चार सब कैटेगरीज में अलग अलग कास्ट एलोकेट की जाएंगी तो अगर टोटल दो कास्ट है तो इन कास्ट को इन चार में बांटा जाएगा और इन चार अलग अलग कैटेगरीज को अलग अलग परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दिया जाएगा तो पहली कैटेगरी को दो प्रतिशत रिजर्वेशन दूसरी को छह प्रतिशत को नौ प्रतिशत चौथी को दस प्रतिशत दस प्लस नौ उन्नीस छह पच्चीस दो सत्ताईस टोटल सत्ताईस प्रतिशत रिजर्वेशन मतलब कि ओबीसी की जितनी कास्ट है उनको चार भागों में बांट दिया अब कोई ओबीसी अगर पर्टिकुलर पर्सन है तो वो ये देखेगा कि वो कौन से भाग को बिलोंग करता है तो मान लो जो वो दूसरे भाग को बिलोंग करता है और उसके लिए जो रिजर्वेशन है वो छह प्रतिशत है तो उसके पास सिर्फ छह परसेंट कोटा रहेगा रहे अब तक क्या है कि अगर आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है तो आप इस सत्ताईस के कोटे में कंपीट कर सकते हो आप सत्ताईस सीटें में आप अपना क्लेम रख सकते हो लेकिन अगर एक बार ये सब कैटेगराइजेशन हो जाता है ओबीसी की कास्ट का तो फिर अगर चार ग्रुप्स में सब कैटेगराइजेशन होता है तो जिस पर्टिकुलर ग्रुप में आप लाई करोगे उस पर्टिकुलर ग्रुप को जितना कोटा एलोकेट किया गया है सिर्फ उसी कोटा आपको एलोकेट होगा मतलब अगर आप रिजर्वेशन बेनिफिट मांग रहे हो तो केवल उस कोटे मांग सकते हो तो अगर चार ग्रुप में सब कैटेगराइजेशन हुआ है पहला ग्रुप दो परसेंट दूसरा ग्रुप छह परसेंट तीसरा ग्रुप नौ परसेंट चौथा ग्रुप दस परसेंट आप पहले ग्रुप में आते हो दो परसेंट वाले में तो केवल ये जो दो परसेंट रिजर्व सीटें हैं ना इनी में आप रिजर्वेशन क्लेम कर सकते हो फिर चौथे सब ग्रुप वाली दस परसेंट सीटों में आप रिजर्वेशन क्लेम नहीं कर सकते फिर चौथे ग्रुप में जो कास्टें आएंगी ना केवल वही कास्टें आपकी दस परसेंट रिजर्वेशन क्लेम करेंगी मतलब ओबीसी का क्या सब कैटेगराइजेशन हो सकता है इसीलिए यहाँ पे कमीशन बनाया गया ऐसा किया क्यों गया तो इसका एक एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडिया में एक पावरफुल ओबीसी ग्रुप है यादव सारे में आप देखोगे कि यादव सक्सेसफुल है और वो ओबीसी कैटेगरी का फायदा उठाते हैं तो इस केस में जो बाकी ओबीसी के कास्ट है उनका ये कहना है कि भाई ये एक कम्युनिटी है और चूंकि ये कम्युनिटी है तो ये ज्यादा बेनिफिट ले जाते हैं सत्ताइस प्रतिशत के अंदर तो इस सत्ताईस प्रतिशत के अंदर भी आप अलग अलग स्लैब्स बनाओ ऐसा यहां पे बोलना है बाकी कम्युनिटीज का तो क्या ये बोलना सही है क्या गलत है इसके लिए यहां पे सरकार ने एक रोहिणी कमीशन बना रखा है और रोहिणी ने अब तक अपना काम पूरा नहीं किया एक्चुअली रोहिणी सोलह जुलाई, कर रहे हैं। जुलाई, है, जुलाई है। तो इसीलिए अब इकतीस जुलाई से इसका बढ़ा के इकतीस जनवरी तक कर दिया गया देखिए पोलिटिकली बड़े स्ट्रांग डिस होते हैं सरकार भी डरती है तो अब मान लीजिए जस्टिस ये जो रोहिणी

नेक्स्ट बात करते हैं एनिवर्सरी ऑफ स्किल इंडिया मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के युद्ध को एड्रेस किया है ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और छठी एनिवर्सरी भी थी आपकी स्किल इंडिया मिशन की 15 जुलाई 2021 को छः साल बीत चुके हैं स्किल इंडिया मिशन का मतलब 2015 को शुरू हुआ था स्किल इंडिया मिशन और इसमें स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज का एक्सपेंशन हुआ है इंटरप्रिन स्पिरिट को इनकलकेट और सपोर्ट किया गया है यहाँ पे एफर्ट्स दिए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रीनियरशिप ने और दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीज ने यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन के साथ करोड़ों की तादाद में युद्ध को जोड़ने के लिए और स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही है हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इको को बनाया गया, गया है पाँच हज़ार नए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किए गए पिछले छः सालों में टोटल नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया में पंद्रह पहुंच चुके हैं ठीक है ठीके? जो तीसरा फेज है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का वो जनवरी 2021 में लागू किया गया है हमारे सारे स्टेट्स के 600 डिस्ट्रिक्ट्स में कोविड रिलेटेड स्किल्स भी लोगों के अंदर इंकल्केट की जाएगी तो ये सब चीजें यहाँ पे हो रही हैं अब बात करते हैं कि स्किल इंडिया मिशन है क्या तो ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि दो में लॉन्च हुई थी अम्ब्रेला स्कीम है तो इस सरकार की स्किल इंडिया मिशन वाली स्कीम के अंदर बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे आते हैं यूथ को एमपावर करना उनको एडिकेट स्किल सेट देना ये इसका काम है 2022 तक 40 करोड़ यंग लोगों को स्किल इंडिया मिशन के तहत मार्केट रेलेवेंट स्किल देने का प्लान यहां पे बनाया गया था तो टैलेंटेड इंडियन यूथ के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना उनके लिए स्पेस फॉर डेवलपमेंट क्रिएट करना यह इस स्किल डेवलपमेंट स्कीम का मिशन है जनरल स्टडीज पेपर टू में स्किल डेवलपमेंट और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन में चीज आपको काम आएगी आपके लिए काम की चीज यह है कि पिछले छह सालों में समझ गए पिछले सालों में 5000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं ऐसा सरकार का बोलना है टोटल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट 2021 तक 15000 से ज्यादा बन चुके हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा फेज 600 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया जनवरी 2021 में जिसमें कोविड रिलेटेड स्किल्स भी दी जाएंगी ये सब चीजें अपने आंसर्स में आप लिख सकते हो आई होप अब तक अगर आप मेरा डेली न्यूज एनालिसिस देख रहे हो तो आपको यह पकड़ में आने लगा होगा कि आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने मैं बीच बीच में आपको बताता रहता हूं हमेशा तो नहीं बताता हूं बट अक्सर कर बताता रहता हूं ये स्टैटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्या किया जा सकता है और क्या किया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है मैं अगर आप कॉन्क्रीट स्टैटिस्टिक्स लिखते हो आपके नंबर एक्स्ट्रा होंगे और क्या किया जा सकता है इसके लिए अलग अलग कमीशन की रिकमेंडेशन अलग अलग आप कह सकते हो पॉलिसी व्यू पॉइंट ड्राफ्ट जो रेगुलेशन है जो ड्राफ्ट बिल अभी बहुत सारे सरकार लेके आई है इन सब में क्या लिखा हो इन सब फैक्टर्स को आप कोट कर सकते हो क्या किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट अप्रूव कंटिन्यूशन ऑफ नेशनल आयुष मिशन देखिए नेशनल आयुष मिशन 31 मार्च 2021 को खत्म होना था लेकिन इस सेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम को एक चार दो से बढ़ा के इकतीस तीन दो तक एक्सटेंड कर दिया गया पांच साल का एक्सटेंशन मिला है इस को। और तीन हजार करोड़ केंद्र छह सौ सात दशमलव थी वो लॉन्च की गई थी पंद्रह सेप्टेम्बर दो को तो यहाँ पे फॉर्मली यूनियन कैबिनेट ने जिसको लीड कर रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब इन्होंने कंटिन्यू कर दिया है नेशनल आयुष स्कीम को ये एक सेंट्री स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा काम किया है इसका तो टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव आयुष सर्विसेज फिर प्रोवाइड अ यूनिवर्सल एक्सेस बाय अपग्रेडिंग आयुष हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी फिर आयुष हॉस्पिटल्स को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के साथ जोड़ना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स के साथ जोड़ना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के साथ जोड़ना आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपग्रेड करना आयुष हॉस्पिटल्स बनाना जिसमें कम से कम पचास बेड्स हो बारह हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं जो आयुष के उनको ऑपरेशनल करना ताकि लोगों को होलिस्टिक बेसिस पे ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके आयुर्वेदा की यूनानी को सिद्धा होम्योपैथी और ये काफ़ी यूजफुल है काफ़ी पोटेंट है ये बात हमको पता है और इनके डॉक्टर्स को कोविड रिलेटेड इमरजेंसीज में भी डिप्लॉय किया जा सकता है अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आयुष के डॉक्टर्स को आप सर्जरी की परमिशन भी दे सकते हो हालांकि इसके ऊपर काफ़ी एथिकल और मतलब बहुत सारे इशूज चल रहे हैं जिनके बारे में मैंने पहले बात भी की है 2 में, and and 2026 तक वैलिड बना दिया गया जिसकी चलते 4,607 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लगेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें 3,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है और 1,607 करोड़ राज्य सरकार दे रही है मेडिकल इंटरवेंशन की फील्ड में हमारी सरकार क्या कर रही है तो ये स्टैटिस्टिक कोर्ट कर सकते हो

एग्रीमेंट किया ताकि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका कैनेडा और यूएस जैसी कंट्रीज के ऊपर हमें कम डिपेंडेंट होना पड़े। अभी के लिए आप बात करो, तो जितना भी टोटल इंपोर्ट है, है? Like, uh, है मतलब हमारे यहाँ पे जो टोटल यूज है कोकिंग कोल का उस यूज का मतलब इम्पोर्ट कर रहे हैं तो है। दूसरी बात छप्पन मिलियन टन्स ऑफ कोकिंग कोल आप कह सकते हो इंडिया ने इंपोर्ट किया था कब अभी रिसेंट ईयर में बहत्तर से 45 टन्स तो केवल ऑस्ट्रेलिया से ही आया था मतलब छप्पन मिलियन टन इंपोर्ट हुआ और उसमें से लगभग आपका फोर्टी मिलियन टन कहां से आ रहा है तो आपका ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है एटी से तो ज्यादा ही है फिर बाकी कहां से आ रहा है साउथ अफ्रीका कैनेडा और यूएस तो स्टील मिनिस्ट्री का पहले से ही प्लान था कि ये जो कोकिंग कोल है इसको रशिया से इंपोर्ट करेंगे इसलिए जो हमारे डोमेस्टिक स्टील मेकर्स थे इसको पहले ही हमारी स्टील मिनिस्ट्री से बोला कि भैया तुम कोकिंग कोल के सैंपल्स मंगवा लो रशिया से और उनको अपनी इंडस्ट्री में टेस्ट कर लो तो अगर इंडस्ट्री में टेस्ट करने से अगर लगता है कि हाँ भाई ये कोकिंग कोल यूजफुल है तो भाई इसको हम बेसिक मेजर बेसिस में इंपोर्ट करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो फाइनली यहाँ पे ये पैक्ट हो गया है ओके कोकिंग कोल का इस्तेमाल किया जाता है तो एक एसेंशियल इन बनावट में कोकिंग कोल का किया जाता है. ये कोकिंग कोल ही क्यों क्योंकि इसके अंदर एश मॉइस्चर सल्फर और फॉस्फोरस ये कम होता है वाट तो ये चीज यहाँ पे रशिया और इंडिया का पैक्ट हुआ है कोकिंग कोल के इंपोर्ट के लिए और चूंकि रशिया हमसे थोड़ा पास है रशिया से चीज़ें इंपोर्ट करने में हमारा खर्चा थोड़ा कम होता है वहीं पे अगर आप ऑस्ट्रेलिया से करते हो खर्चा थोड़ा ज्यादा हो जाता है ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है हालांकि जितना मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करना है तो सीधे नीचे जाना पड़ेगा और रशिया से इम्पोर्ट करना है तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से तो होके देखे जाना ही पड़ेगा तो बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं आएगा ऑस्ट्रेलिया रशिया में बट फिर भी ठीक है हम हमेशा अपने ऑप्शंस को डाइवर्सीफाई करें यह ज़्यादा ज़रूरी है तो भले ही साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया यूएस कनाडा से हम कोकिंग कोल इंपोर्ट कर रहे हैं एक रशिया भी एक्स्ट्रा हमारी किटी में आ जाएगा तो कुछ बुरा नहीं है इंडिया के पास जितने ज्यादा परचेजिंग ऑप्शन होंगे इंडिया उतना ही निगोशिएट कर सकता है जनरल स्टडीज पेपर टू में रीजन एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स और जनरल स्टडीज पेपर टू में इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ में ये न्यूज आपको काम आएगी फिर यू रिलीजेस टफ क्लाइमेट चेंज प्लांस यूरोपियन यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है इसने एक नया लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू ये अपने जो गैसेस गैसे उनको पचपन परसेंट से काटना चाहते हैं इस डिकेट में मतलब 2030 तक इस लेजिस्लेशन लेजिस्लेशन का नाम है फिट 55 याद फिट फॉर 55 याद रखिएगा दो हजार लेजिस्लेशन किसका है यूरोपियन यूनियन का लेजिस्लेशन है और यहां पे कुछ प्लान है एक प्लान क्या है कि भाई फॉरन कंपनीज को यहाँ पे टैक्स करेंगे वो फॉरन कंपनीज जो पॉल्यूशन कॉज करती हैं वो फॉरन कंपनीज जो बहुत ज्यादा डीजल और गैसोलीन जैसे चीजों में इन्वॉल्व है उनके ऊपर यहाँ पे

पेमेंट ली जा रही है इस पेमेंट को लेने के मैकेनिज्म को थोड़ा यहाँ पे और इवॉल्व किया जाएगा एक कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिसके चलते फॉरेन कंपनीज के ऊपर ड्यूटीज लगाई जाएंगी खासकर वो फॉरेन कंपनीज जो कि स्टील एल्यूमिनियम कॉन्क्रीट और फर्टिलाइजर बना रही है चूकी ये जो इंडस्ट्रीज है वो काफी पोल्यूटिंग है तो इसके चलते यूरोपियन मार्केट्स में और वर्ल्ड मार्केट्स में स्टील एल्यूमिनियम कॉन्क्रीट और फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ सकते हैं तब दाम बढ़ना तो अलग है इसके चलते ये ना होने लगे

अभी ये अप्रूवल आता है नहीं आता है, वो एक अलग बात है फिर यू यहाँ पे ये भी प्रपोज कर रहा है कि एक सोशल क्लाइमेट फंड बनाते हैं इसमें बिलियन यूरोस यूरोस डालेंगे डालेंगे मतलब सेवरल बिलियन और जो भी के अंदर है, जो भी भी यू यू के के अंदर अंदर कंपनीज कंट्रीज जो कि पॉवर्टी से हिट हैं जिनको ये पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन इकोनॉमिकली नुकसान पहुंचा सकता है उनके नुकसान की भरपाई इस सोशल क्लाइमेट फंड से हम लोग करेंगे जनरल स्टडीज पेपर थ्री में कंजर्वेशन रिलेटेड इश्यूज में ये चीज आपको काम आएगी और आज की आखिरी न्यूज यूएस सेनेट वोट्स टू बैन आइटम्स फ्रॉम चाइनाजिया रीजन यू सेनेट ने रिसेंटली एक अपने यहाँ आप पे एक बिल पास किया जिसके चलते है वो बोला गया है कि चाइना के जिंजियांग रीजन में जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उन प्रोडक्ट्स का इम्पोर्ट अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं हो सकता क्यों चूँकि यूएसए का ये बोलना है कि ये जिंजियांग रीजन में मुस्लिम उगुर कम्यूनिटी के अगेंस्ट बहुत अत्याचार किया जाता है इनसे फोर्स लेबर कराया जाता है और ईस्ट फोर्स लेबर के थ्रू बनाई हुई चीजों को दुनिया भर में बेच के प्रॉफिट कमाया जाता है इसीलिए ओयगोर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट यहां पे लेके आया गया सेनेट में यूएस में और यूएस में ये यूनानिमस सेनेट में ये यूनानिमस कंसेंट से पास हो गया है मतलब कि ये जो ओयगोर रीजन है आपका चाइना का जहां पे फोर्स लेबर के थ्रू जबरदस्ती लोगों से काम करवाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा बनाया हुआ

चाइना के ऊपर जिनजियांग को लेके काफी एक्शन ले चुका है पिछले ही हफ्ते आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है कि इन में क्या -क्या होता है एक चाइनीज कंपनी है जो कि सोलर पैनल मटेरियल बनाती थी यूएस में एक्सपोर्ट करती थी उसके इंपोर्ट को भी यूएस के अंदर बंद कर दिया गया है तो जिस भी प्रकार से जो भी कंपनीज अब ंग के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, और फोर्स लेबर के रिजीम का फायदा उठा के चीजें बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनके ऊपर कब्ज लगा रहा है यहाँ पे यूएसएर मुस्लिम्स की बात की ली जाए तो ये मुस्लिम माइनॉरिटी टर्किक एथनिक ग्रुप है ये वो लोग हैं जो सेंट्रल और ईस्ट एशिया से अपना कनेक्शन रखते हैं थोड़ी बहुत इनकी जो भाषा है वो टर्किश जैसी कल्चरली और एथनिकली ये बहुत क्लोज है सेंट्रल एशियन नेशन के जो एगोर्स हैथनिक माइनॉरिटीज इन चाइना

अक्सई चीन वाला हमारा हिस्सा कब्जा करके बैठा है कौन चाइना तो ये पूरा का पूरा आपका एनालिसिस था जनरल स्टडीज पेपर टू में ह्यूमन राइट्स फॉर इफेक्ट ऑफ पॉलिसी पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज इन इंडिया काम आएगी थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स आई होप आप को यूज़फुल चीज़ें यहाँ पे मिली हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने व्यू पॉइंट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए बताए हैं आप उनके आंसर जरूर करें अपने सजेशंस भी दें मैं कमेंट्स को डेफिनेटली पढ़ता हूँ हैव अ ग्रेट डिफ्रेंस थैंक यू फॉर वॉचिंग गुड बाय